أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पिछले जुमा को हमने ये सुना था, ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन ने मक्का की शिकस्त के बाद में जितना गम और अफसोस मुशरिकीन ने मक्का को हुआ था, उतना ही गम और अफसोस मदीने में मुनाफिकीन को हुआ था और यहूद को हुआ था। इसलिए यहूद के कुछ सरदार वो मदीने से मक्का जाकर, जिनमें काब इब्ने अशरफ भी था, मक्के के लोगों को जमा करके मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का काम किया करते थे। अशआर पढ़ पढ़ के उनको उकसाते थे, मुसलमानों पे लड़ने के लिए आमादा करते थे। इसलिए मुशरिकीन ने मक्का ने तमाम ने जमा होकर एक मशवरा किया कि मदीने पर ऐसा हमला किया जाए कि मुसलमानों को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी, सामान की ज़रूरत थी और उसके लिए हथियारों की ज़रूरत थी। मशवरा ये हुआ कि उसके लिए फ़ंड कहाँ से लाया जाए, तो ये तय किया गया तिजारत के लिए एक काफिले को मुल्के शाम भेजा जाए, जिसमें सारे मक्के वाले अपना पैसा लगाएंगे और वो जो काफिला जब वापस मक्का को वापस आएगा नफ़े के साथ में, वो सारा का सारा पैसा हम मुसलमानों को बर्बाद करने में लगा देंगे। इस राय को सबने पसंद किया। अबू सुफियान को सरदार बनाया गया और सरदार बनाकर अबू सुफियान को मुल्के शाम की तरफ रवाना कर दिया गया। अबू सुफियान मुल्के शाम गया। मुल्के शाम जाने के बाद में बहुत सारा नफा उसने कमाया, तकरीबन 50,000 मिसकाल सोना नफे के अंदर बचा और वो सारा मालो दौलत लेकर मक्का वापस आ गया। मक्के को जब वापस आया तो मक्के वालों ने पहले से ही तय कर रखा था कि मदीने के ऊपर ऐसा हमला करना है कि मुसलमानों को जड़ से नेस्त तो नाबूद कर देना है। इसके लिए सारे मक्के वालों ने उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, कहा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों की बर्बादी और मुसलमानों के खिलाफ हथियार खरीदने में और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में किया जाएगा। उसी मशवरे पे अमल हुआ, वो पूरा पैसा वैसा ही रहा। इसलिए कि मक्के में लोगों ने कसमें खाई थी, ग़ज़वा बदर में जो बड़े बड़े सरदार मर गए थे उनका बदला लेने की, उनका किसास लेने की, इसलिए मक्के से 3,000 बहादुरों का एक लश्कर वो मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया मुसलमानों पर हमला करने के। और ये जो लश्कर था इसमें 3,000 लोग सिर्फ वो थे जो सिपाही के तौर पर थे, उनके अलावा औरतों की एक जमात अलग थी जिसकी सरदार हिंदा बिनते उतबा थी, जो अबू सुफियान की बीवी थी, ग़ज़वा बदर में जिसका भाई और बाप कत्ल हो गया था। तो उसने कसम खाई थी कि जिन हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे भाई और बाप को कत्ल किया है, मैं उनको कत्ल करूँगी और उनका कलेजा चबाऊंगी। ये उसने कसम खाई थी। इसलिए वो भी औरतों की एक जमात के साथ, ये वो 3,000 के अलावा थे। और औरतों में वो औरतें भी थीं जिनके मर्द ग़ज़वा बदर में मर चुके थे, जिनके भाई, जिनके बाप, जिनके रिश्तेदार मर चुके थे, वो औरतों की भी पूरी एक जमात थी नाचने गाने के लिए और इस लश्कर को जोश और जज्बात दिलाने के लिए कि जहाँ कहीं पर भी रात के वक्त में लश्कर का क़याम हो
वहां पर वो औरतें नाचेंगी गाएंगी और जज्बाती अशआर पढ़ पढ़ कर लश्कर को जोश दिलाएंगी। इस तरीके से ये 3000 लोगों का, 3000 जो सिपाही थे, 3000 जो लड़ने वाले जंगजू थे मुशरिकीन मक्का के, अबू सुफियान की सरदारी में मदीने की तरफ रवाना हो गए और सफर तय करते करते मदीने के करीब पहुंच गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐन वक्त पर इत्तला हुई, ऐन वक्त पर मालूम हुआ, ये लोग जब एकदम मदीने के करीब पहुंच गए तब कि मुशरिकीन इतना बड़ा लश्कर लेकर मदीने के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा किया, इतना बड़ा लश्कर है, कैसे इसका मुकाबला किया जाए। तो लोगों ने राय दी, अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल जो मुनाफिकीन का सरदार था, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा हम लोग मदीने में रहेंगे और मदीने में रहकर मुशरिकीन के हमले का जवाब देंगे, मदीने से बाहर निकलकर नहीं लड़ेंगे। मगर अक्सर सहाबा की ये राय थी कि मदीने में रहकर लड़ना ठीक नहीं है, इसलिए कि मुशरिकीन की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मदीने से बाहर निकलकर उनसे मुकाबला किया जाए। और इसमें ख़ास तौर पे वो नौजवान भी थे जिनको ग़ज़वा बदर में आने का मौका नहीं मिला था या जिन्होंने ग़ज़वा बदर में शिरकत नहीं की थी, तो वो भी अपने जौहर ग़ज़वा उहद में दिखाना चाहते थे। और ये वाक़िया है सन 3 हिजरी का, शव्वाल का महीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की राय पर फैसला दिया, कहा कि ठीक है मदीने से बाहर निकल कर लड़ेंगे। अब मुआहिदा जो था अल्लाह के नबी ने मदीने में आने के फौरन बाद यहूद जो थे मदीना के उनके साथ में ये मुआहिदा किया था कि बाहर से आके कोई भी अगर मदीने पर हमला करेगा तो यहूद भी मुसलमानों का साथ देंगे, मतलब सब मिलकर लड़ेंगे। मगर यहूद अलग हो गए, उन्होंने कोई साथ नहीं दिया ना किसी मशवरे में शिरकत की, बल्कि उन्होंने इस जंग को मुसलमान और मुशरिकीन के दरमियान के जंग का नाम दे दिया, इस गजबे को, इस लड़ाई को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 शव्वाल सन 3 हिजरी को जुमा की नमाज पढ़ाई और जुमा की नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर मुशरिकीन से मुकाबले के लिए रवाना हो गया। मुशरिकीन बिल्कुल मदीने में दाखिल हो चुके थे, यानी मदीने के सामने ही मदीना शहर है और उसके सामने ही उहद का पहाड़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो वो मदीने से बाहर था, अभी तो वो मदीने के बहुत ज़्यादा अंदर है, उसके बाहर कम से कम कई किलोमीटर तक मदीना शहर है। उहद का पहाड़ ज़्यादा दूर नहीं है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के सामने ही नज़र आता, बहुत सारे लोग तो पैदल जाते वहाँ तक, बिल्कुल करीब में है। तो मुशरिकीन बिल्कुल मदीना तक पहुँच चुके थे और उहद के पहाड़ के पास उन्होंने क़ियाम किया हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रवाना हुए 1000 के लश्कर के साथ में, जिसमें अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल जो मुनाफिकीन का सरदार था उसके लोग भी साथ में थे। बीच रास्ते में उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुमने हमारे मशवरे पर अमल नहीं किया, हमने जो राय दी थी हमारी राय पर तुमने अमल नहीं किया, इसके लिए मैं अपने 300 लोगों को वापस लेकर जा रहा हूँ। उसको सबने समझाया लेकिन उसके समझ में नहीं आया, इसलिए कि वो मुनाफिक था। मुनाफिक यानी जाहिर में मुसलमान था लेकिन उसके दिल के अंदर निफाक भरा हुआ था। और फिर उसने क्या किया, अपने 300 लोगों को वापस लेकर मदीना आ गया। और इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो नाबीना थे
उनको मदीने की जिम्मेदारी देकर आप रवाना हो चुके थे। अब मुसलमान मुतफक्किर हुए कि अचानक ये क्या हो गया, पहले तो 1000 का लश्कर था, उसमें से भी 300 कम हो गए, अब सिर्फ 700 लोग बचे हुए हैं, और वो 700 भी ऐसे थे कि किसी के पास तलवार थी तो किसी के पास नहीं थी, किसी के पास नेजा था तो किसी के पास बर्छा था, हर एक के पास में कुछ ना कुछ था तो एक ही चीज थी, किसी के भी पास में जंग का पूरा सामान नहीं था, मुकम्मल सामान। लेकिन एक फायदा यह हुआ कि जो मुनाफिकीन थे, जिनके दिलों में निफाक था, वो खुल के सामने आ गए। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके दिलों में निफाक है, वो पूरे के पूरे खुद ब खुद अलग हो गए और पीछे चले गए। मालूम हो गया कि ये मुनाफिकीन की जमात है, जाहिर में ये सिर्फ मुसलमान है, इनके अंदर जो है निफाक भरा हुआ है। अगर ये मुसलमान होते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो हुक्म दिया था वो हुक्म को ये पूरा कर देते, मगर इन्होंने अपनी मनमानी चलाई। हमारे ज़माने में भी ऐसे बहुत सारे लोग रहते कि किसी मशवरे में, किसी दीनी काम के अंदर बोले नहीं हमारी राय पे अमल नहीं हो रहा, फिर नहीं नहीं अपन नहीं करते, बोले अपने को साथ नहीं देने का, अपने को नहीं जाने का, क्यों, तो बोले मेरी राय सुन रहे इसलिए मेरी राय पे अमल ही नहीं हो रहा, या मेरे मुझे बड़ा मर्तबा नहीं दिया जा रहा, या मेरे नामवरी नहीं हो रही है। तो बहुत सारे लोग दीन के कामों में भी बाद में पीछे हट जाते, बोले भाई क्यों, आप क्यों पीछे हट गए, नहीं बोले यार वहाँ दूसरों का चल रहा था, अपना कोई सुन रहा ही नहीं था, बोले। तो मालूम ये हुआ कि ये रियाकार इंसान है, ये अल्लाह के लिए करने वाला नहीं है। अगर अल्लाह के लिए करने वाला रहता तो फिर ये नहीं देखता था कि मेरी राय सुनी जा रही है नहीं सुनी जा रही है, मुझे वहाँ पर जो है रिस्पेक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जैसा भी है ठीक है, दीन का काम है अपने को करना है। तो मुनाफिकीन खुल के सामने आ गए और उनकी जो जमात थी वो पूरी की पूरी वापस मदीने को आ गई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे उहद पहाड़ की घाटी में। उहद पहाड़ 7 किलोमीटर लंबा है और जमीन से 3000 फीट ऊंचा है, पूरा ऐसा फैला हुआ है। उहद पहाड़ मदीना मुनव्वरा का सबसे बड़ा पहाड़ है, उसकी जमीन से ऊंचाई 3000 फीट की है और पूरा ऐसा जो फैला हुआ है, उसके सामने और एक छोटी सी पहाड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दामन में क़ियाम किया। शाम का वक्त हो चुका था इसलिए अभी मुकाबला शुरू करना मुनासिब नहीं था, इसलिए दूसरे दिन का इंतज़ार किया गया। दूसरा दिन निकला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की सफ़ों को मुरतब किया, यानी तरतीब दी उनको, कि उहद पहाड़ के सामने एक पहाड़ी थी। किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को सजाया कि जिधर बड़ा पहाड़ था उधर से पूरे मुसलमान थे, यानी मुसलमानों की पीठ के पीछे पूरा उहद का पहाड़ था और सामने से मुशरिकीन का लश्कर था, लेकिन उसके सामने एक टेकड़ी थी, अभी भी है वो। उसके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा की एक जमात को बिठाया जो जबरदस्त तीर अंदाज थे, तीर चलाने में उनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। ऐसे 50 सहाबा को चुन चुन कर उन तमाम को उस पहाड़ी के ऊपर, वो जो छोटी सी टेकड़ी है उसके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठा दिया और उनको ये हुक्म दिया कि याद रखो जब तक मैं ना कहूँ तुम लोग नीचे मत आ, बस वो पहाड़ी के ऊपर उसको संभाल के रखो, इसलिए कि मुशरिकीन का जब मुकाबला होगा मुशरिकीन से तो डर है कि वो पीछे से ऐसा घूम के आके हमला ना कर दे। अगर वो हमले के लिए आएंगे तो जब ये 50 तीर अंदाज उनको नजर आएंगे तो वापस चले जाएंगे। अब मुसलमान और मुशरिकीन दोनों के दरमियान में सफे खड़ी हो गई। अबू सुफियान जो मुशरिकीन के लश्कर का सरदार था, उसने
तमाम मुशरिकीन के सामने एक बयान किया और लोगों को जोश और जज्बा दिलाया और ये कहा कि देखो हम यहाँ पर बदर का बदला लेने के लिए आए हैं। ये जो सामने लड़ने वाले हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने जिनमें से किसी ने तुम्हारे बाप को कत्ल किया, किसी ने तुम्हारे भाई को कत्ल किया, किसी ने तुम्हारे रिश्तेदार को कत्ल कर दिया। अब तुमको अपने तमाम रिश्तेदारों का बदला लेना है। और एक कबीला हमेशा से जंग का झंडा उनके हाथ में रहा करता था, उनसे ये कहा कि मुझे ये डर है कि तुम इस झंडे को गिरा दोगे, इसलिए मैं दूसरे कबीले के हाथ में झंडा देना चाहता हूँ। ये सारी बातें उसने लोगों को जज्बात में लाने के लिए। और जब सब जोश और जज्बात में आ गए उसके बाद में वो लोग मुकाबले के लिए तैयार हो गए। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुकद्दमतुल जैश का अमीर बनाया और हजरत मुसा इब्ने उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में मुसलमानों का झंडा दे दिया। और उसके बाद ये जो टुकड़ी थी 50 सहाबा की, इनको बराबर सही तरीके से जो है सामने वाले पहाड़ी के ऊपर बिठा दिया और अब मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान में मुकाबला शुरू हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह अन्हुम, ये अरब के बड़े पहलवानों में शुमार होते थे, बड़े बहादुर लोगों में। इन्होंने डटकर मुशरिकीन का मुकाबला किया और मुशरिकीन के लश्करों के बीच में घुस गए लड़ते लड़ते, यहाँ तक के हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिर्फ एक ही चक्कर के अंदर 8 मुशरिकीन जमीन पर गिर गए, यानी उन्होंने 8 मुशरिकीन के सर को उनके धड़ से जुदा कर दिया। हत्ता के वो हिंदा जो कसम खाकर आई थी हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा चबाने के लिए, वो हिंदा भी आई एक सहाबी के तलवार के जद में। उन्होंने तलवार उठाई उसको मारने के लिए मगर वो घबरा गई तो उन्होंने अपनी तलवार रोक ली और कहा मैं अपनी तलवार को किसी औरत के खून से गंदा नहीं करना चाहता और उसको छोड़ दी और बढ़ते गए आगे। मुशरिकीन का जो लश्कर था वो पूरा मुंतशिर हो गया, खौफ तारी हो गया मुशरिकीन में और खौफ तारी होने के बाद मुसलमान आगे बढ़ते गए और मुशरिकीन मक्का ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, फैल गए वो चारों तरफ। जब वो चारों तरफ फैल गए तो ये जो 50 सहाबा थे जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल लश्कर के बिल्कुल पीछे एक पहाड़ी पर बिठा दिया था, उन्होंने एक दूसरे से कहना शुरू किया देखो अब जंग खत्म हो गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को सिर्फ जंग मुकम्मल होने तक यहाँ पे रुकने का हुक्म दिया था, अब तो जंग खत्म हो गई और लोग गनीमत का माल जमा कर रहे हैं, चलो हम भी चलेंगे, जंग तो रही नहीं बाकी। लेकिन अमीर लश्कर ने उन तमाम को रोका और कहा कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है जब तक मैं तुमको हुक्म ना दूं ऊपर से नीचे मत उतर, जब तक मैं तुमसे ये ना कहूं कि आ जाओ तब तक नहीं आना। उन्होंने कहा, दूसरों ने एक दूसरे से कहा, बोले भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म था वो तो सिर्फ जंग तक था, अब तो जंग खत्म हो गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी खत्म हो गया, इसलिए कि वो जंग के लिए था। उन्होंने कहा नहीं, अगर जंग खत्म भी हो गई है तो हम इंतजार करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते। उसके बाद लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, अमीर लश्कर और एक सहाबी बस दो बाकी रह गए, बाकी तमाम लोग उस पहाड़ पे से नीचे उतर गए और उतरने के बाद नीचे वाले मुसलमानों के साथ में शामिल हाल हो गए। मुशरिकीन का ये जो लश्कर मुंतशिर हो गया था, हजरत खालिद इब्ने वलीद वो मुसलमान नहीं हुए थे बल्कि वो मुशरिकीन की तरफ से लड़ रहे थे,
उन्होंने दूर एक मील के फासले पर सारे लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा, घबराओ मत, इधर उधर भागो मत, हम वापस से मुसलमानों को पीछे की तरफ से घेरेंगे। और मुशरिकीन को जमा करके वो पीछे से वापस से लेकर आए। लाने के बाद जब उन्होंने देखा कि वो जो टेकड़ी है जिसके ऊपर 50 सहाबा बैठे हुए थे तीर कमान लेकर, वो तो बिल्कुल खाली है, बस उन्होंने उधर से हमला किया और मुसलमानों को घेरे में ले लिया। अब मुसलमानों के पीछे बहुत पहाड़ था, सामने जो अल्लाह के नबी ने 50 सहाबा को खड़ा किया था वो नहीं थे, मुसलमान पूरे इधर उधर तितर बितर हो चुके थे और अचानक उनके ऊपर ये हमला हो गया। मदीना मुनव्वरा में उहद का पहाड़ बिल्कुल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मील के फासले पर और वहां से नजर आता है। वहां पर अगर गया कोई आदमी, अगर वहां पे जियारत के लिए जाए, ये पूरा वाकया उसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाता कि कैसा कैसा ये जंग के अंदर हुआ। वो टेकड़ी अभी भी है, वैसी ही है वो, और गजवे वो जो पहाड़ है वो भी पूरा है और बाजू में कब्रस्तान भी है जिसमें गजवे उहद के पूरे शोहदा दफन। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने जैसे ही हमला किया, मुसलमान अब इधर उधर तितर बितर हो चुके थे और मुसलमानों के ऊपर ऐसा हमला किया कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की ताक में एक हबशी गुलाम बैठा हुआ था जिसका नाम वहशी था और हिंदा बिनते उतबा ने उससे ये कहा था, अगर तू हमजा को कत्ल कर दे, जमीन पर गिरा दे, तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी और मेरे बदन पर जितना जेवर है वो सारा तुझे दे दूंगी। तो इसी लालच में वो वैशी जो है वो बर्छा मारने का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, वो बर्छा लेके बस हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के गफलत का इंतजार ही कर रहा था। और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु वो मुशरिकीन के लश्कर को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, मगर जब ये सूरत हाल पेश आई, मुशरिकीन जो सब मुंतशिर हो चुके थे, अब वो एक जगह जब जमा होना शुरू हुए तो वहशी को मौका मिल गया। उसने दूर से हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के ऊपर हमला किया और जैसे ही वो बर्छा आपके दिल पर लगा, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से जमीन पर गिर गए और शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद हिंदा जिसने कसम खाई थी वो आई, उसने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के कलेजे को बाहर निकाला और उसे चाब कर निगलना चाहा, मगर नहीं निगल सकी तो थूक दिया और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म का मुसला बनाया कि आपके नाक कान काट दिए और खुशी का नारा मारने लगे। अब मुसलमानों के अंदर क्योंकि ये 50 सहाबा के हटने से वापस से दोबारा हमला हो चुका था, उसके बाद फिर मुशरिकीन ने अब मुसलमानों को शहीद करना शुरू कर दिया। हजरत मुसाब इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनके हाथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का झंडा दिया था, वो अपने सीधे हाथ में झंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे और बाएं हाथ से जो है वो लड़ रहे थे। एक मुशरिक ने उनके सीधे हाथ पर हमला किया, उसको काट दिया, तो उन्होंने अपने बाएं हाथ में जो है झंडे को थाम लिया। फिर उसने बाएं हाथ पर पीछे से हमला किया तो आपने अपने दोनों बाजुओं से उसको सीने से लगा दिया, तो उसने फिर बीच में से आप पर ऐसा हमला किया, हजरत मुसाब इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो भी शहीद हो गए। हजरत मुसाब इब्ने उमैर के हाथ से झंडा ना गिर जाए, एक सहाबी उनके पीछे थे वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने वो झंडे को गिरने से पहले उठा लिया। उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने ये कैफियत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुतफक्किर हुए और बस इसी भागम भाग का फायदा उठाकर एक मुशरिक जिसका नाम इब्ने कुमिया था, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जो खौद लगा हुआ था उस पे इतने जोर से तलवार मारी कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में धंस गया। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु वो आए और उन्होंने जब देखा कि अल्लाह के नबी के सर मुबारक में खौद धंस चुका है,
उन्होंने अपने दांतों से उसको पकड़ के खींच कर निकाला, जिससे उनके दो दांत शहीद हो गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून चूस कर उसको बंद किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके जिस्म में मेरा खून मिला, उस खून उस जिस्म को जहन्नुम की आग नहीं छू सकती। और एक मुशरिक ने दूर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंका, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दांत मुबारक शहीद हो गए, दंदाने मुबारक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से एक गढ़े में गिर गए। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गढ़े में गिर गए, फौरन उसने जोर से आवाज लगाई कि ऐ मुशरिकीन मक्का, तुम्हारे लिए खुशखबरी हो, मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मैंने कत्ल कर दिया। जैसे ही ये खबर मुसलमानों के कानों में पहुंची, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बहादुर सहाबी, वो भी बिल्कुल परेशान हो गए, जिस्म ठंडा पड़ गया, लड़ने का जज्बा सर्द हो गया कि ये क्या हो गया। लेकिन एक अंसारी सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरते हुए देखा, उन्होंने फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और जोर से फिर ऐलान की और मुनादी लगाई कि मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है और मेरे साथ है। तो वापस से मुसलमानों में नया जोश, नया जज्बा पैदा हो गया और फिर मुसलमानों ने दोबारा जो है मुशरिकीन के हमले का मुकाबला करना शुरू कर दिया। इसी सरासीमगी के आलम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम पहाड़ पे चढ़ जाओ, इसलिए कि मुसलमानों के पीठ के पीछे उहद का पहाड़ था। अब मुसलमान पहाड़ पे चढ़ने लगे, क्योंकि मुसलमान चारों तरफ से घिर चुके थे। अबू सुफियान बहुत खुश हुआ और ललकार कर कहने लगा, कहाँ है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, कहाँ है अबू बकर और कहाँ है उमर, क्या ये तीनों खत्म हो चुके हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि खामोश रहो। लेकिन जब उसने मुसलमानों को जोश दिलाया तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने कहा कि नहीं, ये तीनों अभी जिंदा है। तो अबू सुफियान कहने लगा कि ये पिछले साल का बदला है कि बदर में तुमने हमको हराया था, आज हमने तुमको हरा दिया, अब हिसाब बराबर हो गया, अगले साल हम वापस से तुमको मिलेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, इसको जवाब दो कि अगले साल फिर मुकाबला बदर के मैदान में होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर आवाज़ दी और आवाज़ देकर ये कहा कि अगले साल वापस से मुकाबला होगा बदर के मैदान में। उसके बाद अबू सुफियान अपने लश्कर को लेकर मक्के की तरफ रवाना हो गया। मुसलमान पहाड़ों से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद मैदान जंग में से मुसलमानों की लाशों को जमा करना शुरू किया, जिसमें 67 अंसार थे और 4 मुहाजिरीन थे, यानी तकरीबन 70 मुसलमान शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी उन्हीं शोहदा में से थे। हजरत मुसअब इब्ने उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले मुसलमान जिनको अल्लाह के नबी ने मुअल्लिम बनाकर मदीने में भेजा था, वो भी शहीद हो चुके थे। 70 सहाबा शहीद हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का गम इतना ज्यादा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोने लगे तो आपके रोने की आवाज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। यानी एक होता है नौहा करना और एक होता है रोना। शरीयत में रोने की इजाजत है, लेकिन नौहा करना जिसे कहते हैं वो नाजायज है। रोने में और नौहा करने में क्या फर्क है? दोनों में यह फर्क है कि रोना कुदरती होता है, वो ऑटोमेटिकली आदमी रोता है, उसके आंसू निकलते हैं और उसकी आवाज निकलती।
और नौहा करना जो होता है उसके अंदर मरने वाले का नाम लेकर आवाजें लगाई जाती है, क्या है फला तू मर चुका है, तू ऐसा था, तू ऐसा था, और तूने ये किया और तूने वो किया, जो खास तौर पे औरतें करती हैं। तो शरीयत में इस तरीके के रोने को हराम करार दिया गया और मना किया गया। शरीयत ये कहती है कि जो कुदरती रोना है, अगर आदमी गम में रो रहा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन मरने वाले का नाम लेकर नौहा करना ये नाजायज है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नौहा करते वक्त में अल्लाह तबारक व ताला की नाशुकरी और कुफ्र के जुमले जुबान से निकलते, इसलिए नौहा करने से मना किया गया है कि लोग अपनी करतूत को अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर थोप देते हैं। नौहा करने में ऐसा होता है जैसे कोई मर गया तो औरतें आवाज़ लगा लगा कर कहती है, अल्लाह ताला को यही मिला था क्या, अभी तो ये जवान था, अभी तो ऐसा था, इसकी शादी भी नहीं हुई थी ना, अभी तो इसका ऐसा होने वाला था। तो ये सारी बातें होती है। हम मदरसे में पढ़ते थे तो हमारे साथ में, मेरे साथ में एक बच्चा था बॉम्बे का, वो भी हाफिज बन रहा था। वो एक दिन मुझे बोलने लगा, बोले हमारे महल्ले में एक नौजवान था और लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा था, बाजू में लेडीज डब्बा था, तो हजरत को अपनी बहादुरी बताने का था, वो मस्तूरात जो थी उन लोगों को कि भाई हजरत बहुत बड़े पहलवान पहुंची हुई हस्ती है और बहुत बहादुर है और किसी के बाप से डरते नहीं। तो बोले उसने चलती ट्रेन में नीचे जो जो ट्रेन के पहिए रहते उसके ऊपर जो बेरिंग रहते उसके ऊपर उसने बोले पैर रखा और डंडे को हाथ एक हाथ से पकड़ा और नीचे का पत्थर उठाने लगा, चलती ट्रेन में से जो नीचे पत्थर डाले हुए रहते पटरी के बाजू। अब वो हरकत करने में ये हुआ कि सामने से खंभा आया और इतने जोर से उसके सर में लगा कि उसका सर दो टुकड़े हो गया और वो मर गया। अब उसकी लाश को लेकर आए उसके घर पर तो बोले उसकी माँ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, अल्लाह ताला को ये मिला था क्या, अरे इसके अलावा दूसरा था क्या नहीं बोले। तो वो हमारा जो साथी है हाफिज कुरान वो बोलने लगा, मैंने उसके वालिद से कहा तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी को समझाओ, बच्चा जो तुम्हारा मरा अल्लाह ताला ने नहीं इसके करतूत की वजह से मरा। बोले क्यों, अल्लाह मियां ने इसको बोले थे क्या गाड़ी को ऐसा पकड़ के फतरे उठा नीचे के? नहीं नहीं, हरकतें ये करेंगे और इल्ज़ाम थोपेंगे अल्लाह मियां पे कि अल्लाह को यही मिला था, अल्लाह ने इसको हुक्म दिए थे। तो शरीयत में रोना जायज़ है गम में अफसोस में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोने लगे तो दूर दूर तक आवाज़ जाने लगी, लेकिन नौहा करना इस्लाम के अंदर हराम है। याद रखो नौहे में और रोने का फर्क, वरना अक्सर लोग ये रोने को दलील बना के ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ऐसा रोया था। वो रोने में और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो मय्यित थी उसको सामने रखा गया उनके जनाजे को, और जो शहीद हो जाता है उसको गुसल नहीं दिया जाता, उसको बगैर गुसल के दफन करते हैं। याद रखो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा सामने था और उनके जनाजे के सामने जितने ये 70 सहाबा जो शहीद हो चुके थे हर एक का जनाजा रखा जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े जनाजा पढ़ते और उसके बाद वो जो सामने वाले सहाबी होते थे उनको दफन कर दिया जाता, और हजरत हमजा वैसे ही। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज़े जनाजा 70 मरतबा पढ़ी। 70 मरतबा, इतना गम हुआ आपको, इतना अफसोस हुआ अपने चचा की शहादत का। और उन्हीं शहीदों में एक सहाबी ऐसे भी थे हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी नई नई शादी हुई थी, और शादी होने के बाद वो सुबह के वक्त में बैठे हुए थे गुसल लेने के लिए। तो इधर यहूद जो थे वो खुशियां मना रहे थे मदीने में, अरे बोले मुसलमान तो खत्म हो गए, मुसलमानों को तो उन्होंने दबा दिए बोले ओहद पहाड़ के घाटी के अंदर। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी, वो जो पानी का लोटा था उसको ज़मीन पे पटका और ये कहा कि हंजला तू अपने शादी का गुसल कर रहा है और वहाँ पे मुसलमानों को शिकस्त हो रही है, बगैर गुसल किए के मैदान जंग में चले गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अब जब शहीद हो गए
तो शहीद के लिए ऐसा है कि शहीद को गुसल नहीं दिया जाता, उसको बगैर गुसल के दफन करते। और ये जो हजरत हंजला थे, इनके ऊपर गुसल फर्ज हो चुका था, क्योंकि ये अपने फर्ज गुसल को छोड़ के मैदान जंग में पहुंच गए थे। अल्लाह तबारक व ताला कैसे इस चीज को गवारा कर सकते थे कि उनका एक आशिक और दीन के लिए मर मिटने वाला, एक कुर्बानी देने वाला मर्द मुजाहिद सहाबी, वो बगैर गुसल के दफन हो। अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात के साथ जमीन पर आए और हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अनु को गुसल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में सुलाने के लिए जब उनके सर मुबारक को अपने हाथों में लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे हाथ पानी में भर गए और उनके बदन से पानी टपकने लगा। सहाबा से पूछा, इनको किसने गुसल दिया? बोले, हुजूर, इनको तो किसने गुसल नहीं दिया, फिर इनको ये इनके बदन से पानी कैसे टपक रहा है? तो सहाबा ने ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी शादी हुई थी और ये अपने शादी का गुसल लेने के लिए बैठे थे, उससे पहले ऐलान हुआ कि मुसलमानों को शिकस्त हो रही है, ये उसी हालत में जो है अपने गुसल को अधूरा छोड़ के मैदान जंग में आ गए और शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको फरिश्तों ने गुसल दिया, इसलिए हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु को लकब मिला हुआ है गसीलुल मलाइका, यानी वो सहाबी जिनको मलाइका ने गुसल दिया। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मुशरिकीन जब पहुंचे मक्का को वापस तो खुशियां मनाई जाने लगी, नाच गाना गाया जाने लगा रास्ते में, और इधर मुसलमान जब मदीने में वापस पहुंचे तो यहूद मुसलमानों की शिकस्त पे नाचने और गाने लगे और खुशियां मनाने लगे। हालांकि मुआहदे के तहत यहूद के साथ ये मुआहदा हो चुका था कि जब भी कोई मदीने पर हमला करेगा, यहूद भी मुसलमानों के साथ बाहर निकल के उनके हमले का जवाब देंगे। अब इसके बाद क्या हुआ वो अगले हफ्ते बयान होगा इंशाअल्लाह। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ें।